हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंश सिंह वाली। गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपके लिए नया है, हमने नया बनाया है, और जो इस चैनल के ऊपर आ रही हैं वो दोस्त इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि जो इस वीडियो इस चैनल में जाने वाली हैं, इस चैनल के माध्यम से आपके पास आएंगी, वो बहुत यूनिक वीडियोज़ हैं। रियल स्टेट में हम सिर्फ रियल स्टेट की बात करते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते थे, इसमें जनरल टॉपिक रहेंगे आपके लिए, मोटिवेशन के टॉपिक रहेंगे आपके लिए, मैनेजमेंट के टॉपिक रहेंगे। सो ये जो आज का मैंने टॉपिक लिखा है, नो बेस नो फेस, जिस आदमी की नीम ही नहीं है, जिस चीज़ की नीम नहीं है, उस वो चीज़ रह ही नहीं सकती, कभी अटक ही नहीं सकती। हम सारे लोग बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन बड़ा हो बनने के लिए हमें कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, क्या हम उसके मुताबिक उतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी फल को पौधा बनने के लिए पहले मिट्टी में मिलना पड़ता है, एक बार उसको अपनी होंद गुवानी पड़ती है, जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो उसके बाद फिर पौधा बनता है। सूरज की तरह सब चमकना चाह रहे हैं, लेकिन सूरज की तरह तपना कोई नहीं चाह रहा। जब तक लोहा गर्म नहीं होता तब तक उसका कोई यूज़ नहीं होता। जब तक पत्थर में से छेनियाँ मार मार के, थोड़ी मार मार के फालतू चीज़ नहीं निकल जाती, तब तक वो देवता नहीं बनता। सो हमें एक उम्मीद, अपनी उम्मीद तो हम रख रहे हैं कि हम बहुत बड़े बन रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक क्या हम मेहनत कर रहे हैं, क्या हम अपनी पर्सनैलिटी को डिवेलप किया है, क्या हमने अपने कम्युनिकेशन स्किल को डिवेलप किया है, क्या हमने क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर कोई चीज़ सीखी है, क्या हमने कभी फेल होने का तजर्बा किया है या उससे बाहर निकलने का तजर्बा किया है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो करोड़ों रुपए लेते हैं, उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सवाल ये है कि आपने कभी फेलियर को फेस किया है? यदि आपने फेलियर को फेस किया है और उसको मैनेज किया है, यदि उन्होंने जो यस बोल दें और अपने तरीका बता दें, तो उनको करोड़ों रुपये के पैकेज मिलते हैं। यदि उन्होंने फेलियर फेस ही नहीं की, तो इसका मतलब वो नए बंदे हैं, नए बंदे को इतनी सैलरी, करोड़ों में सैलरी कोई नहीं दी जा सकती। सो सबसे ज़रूरी, आपका जो बेस है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। बेस का मतलब आपके हर, आपके पास हर एंगल की, हर तरीके की नॉलेज, हर तरीके की पर्सनैलिटी, हर तरीके की बातचीत, हर तरीके का सामने वाले बंदे को अपने इंटरेक्ट करना है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1250 फीट, जो 1930 में बनी थी अमेरिका में, तो ये वर्ल्ड की नंबर वन बिल्डिंग रही, सबसे ज़्यादा ऊंची, 102 मंजिल है इसकी, 102 मंजिल 1250 स्क्वायर फीट, और 1931 में बन के ये 2009 तक नंबर वन रही, जब तक ये बुर्ज खलीफा जो है, बुर्ज खलीफा टावर है दुबई वाला, ये 2722 फीट तक नहीं आया। ये स्क्वायर फिट है, स्क्वायर फिट नहीं है, रनिंग फिट है, ध्यान रखना। ये स्क्वायर फिट का मतलब होता है एरिया, ये रनिंग फिट है, मतलब 2722 फिट ऊपर को जाना है, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास चला जाता है। तो इतनी बिल्डिंग बनने के पीछे कारण क्या है? कारण है बेस, इनकी नीम की खुदाई। ये जितनी बिल्डिंग ऊपर है, 1250 स्क्वायर फिट बिल्डिंग है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी खुदाई भी उसी हिसाब से हुई होगी। जो ब्रिक्स ऊंचे से ऊंचा जाएगा, उसका जो जड़ें हैं वो ज़मीन में उतनी ही गहरी जाएंगी। बुर्ज खलीफा टावर है, वो भी 2722 फिट, उसकी कितनी गहराई से मतलब उसको खोदा गया होगा ताकि वो 2722 फिट तक उसको ले जाया जा सके। सो आपने, यदि आप वाकई चाहते हो कि आपका फेस बने, फेस का मतलब आप मशहूर हो किसी बात से, या आप किसी भी बात को लेके आपका नाम हो दुनिया में, तो नाम होने के लिए, फेस होने के लिए आपका बेस होना ज़रूरी है। यदि आप वैसे कहो कि मेरा फेस हो जाएगा, कि मेरा नाम हो जाए, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। 1250 फिट ऊंची बिल्डिंग यदि ये बनाने के साल दो साल बाद गिर जाती, तो इसको कोई भी इसको याद ना करता। सो याद नहीं करने की वजह, याद रहने की वजह इसकी है कि ये अब तक खड़ी है, बुर्ज खलीफा खड़ा है, इसलिए लोग इसको देखने जाते हैं,
वहाँ टिकट लगती है, पैसे जगह लगा के लोग उसको देखते हैं। सो यदि आप चाहते हो कि आपकी फेस वैल्यू बने, आपके ऊपर भी लोग पैसा लगाएं, तो आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। जिसके पास बेस नहीं उसके पास फेस नहीं। सो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है, यही मैसेज है इसका, कि आप जितना भी ऊंचाई पर जाना चाहते हो उसके प्रोपोर्शनेटली आपको अपनी नींव भी मजबूत करनी पड़ेगी। आज के लिए इतने ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा करना, और चैनल पर तो नए हो इसको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। सवाल हो कमेंट बॉक्स में, नए टॉपिक और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त राजवंश सिंह मोहाली। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपको मिलने आ रहा हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।